कुमार, आपका स्वागत करता हूँ द स्कॉर्पियन ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी बधाइयाँ। आज का दिन कल जिस तरीके से चल हुआ था, मार्केट टुडे ओपन स्लाइट इन ग्रीन, गैप ओपनिंग मिला और कल के लोज को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने आज अपसाइड मोमेंटम शो किया है। इवन बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी इन द गैप, जो कल उसने गैप फॉर्म किया था उस गैप में आ गई है एंड दिस इज शोइंग सम पॉजिटिवनेस इन द मार्केट। और इसके साथ दो कोविड 19 की जो परिस्थिति है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको रिव्यू कर रही है। इफ़ कल मार्केट कल अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं ऑफर करती है और अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं होता है तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट एंड ऑन थर्सडे एक्सपायरी वी मे सी सम अपसाइड मूवमेंट। और अगर कल मार्केट गवर्नमेंट रिव्यू करने के बाद कंडीशंस को अगर लॉकडाउन की तरफ जाती है तो दैट विल बी द नेगेटिव न्यूज फॉर द मार्केट। तो दिस इज हाउ अगले आने वाले दिन डिपेंड करेंगे इस इवेंट पे। अगेन कल इंफोसिस का रिजल्ट भी है एंड दैट विल अगेन डिसाइड हाउ द आईटी एंड इन्फी गोइंग टू एक्ट, बिकॉज इन्फी हैज अ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज इन निफ्टी। तो ये दो मेजर इवेंट हैं कल के दिन एंड कल मार्केट हॉलीडे है, सो वी विल मीट ऑन द थर्सडे फॉर द लाइव मार्केट। देखते हैं आज मार्केट में एक्चुअली कहाँ पर मूवमेंट हुई, आप कहाँ पर ट्रेड कर सकते थे और उससे कैसे पैसे बना सकते थे। चलिए ओके गाइस, तो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आपके सामने है। कल की इतनी बड़ी फॉल के बाद आज मार्केट ने गैप अप ओपन दिया एंड इट क्लोज अराउंड 1.34% अप। तो इसे मार्केट की लैंग्वेज में बियर ट्रैप कहा जाता है। व्हाई बियर ट्रैप? बिकॉज कल जो मार्केट ने फॉल दिया था और कल की इतनी बड़ी गैप और उसके बाद बॉटम की क्लोजिंग को देखते हुए बहुत सारे जनों ने यहाँ पे सेल ऑर्डर्स प्लेस करी होंगी एंड देन व्हाट मार्केट डिड, मार्केट ओपन हियर गैप अप और इस गैप अप के साथ ही उसने सारे जो कल के बियर्स थे उनको ट्रैप किया। बट देन कभी भी ट्रैप होने के बाद मार्केट गिव सम चांस टू द बिगीज टू एग्जिट देयर पोजीशन, वो हम इंट्राडे में जब अभी चार्ट को और अंदर से देखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से बिगीज एग्जिट कर जाते हैं एंड रिटेलर्स वहां पे सोचते हैं कि नहीं और या तो मेरे ब्रेक इवन तक आऊं। नो, इफ यू सी सच अ काइंड ऑफ सिनेरियो यू हैव टू एग्जिट इन द मॉर्निंग, जहां पे भी मैक्सिमम पॉसिबल आपको दिखे कि यस दिस इज द टाइम आपको निकल जाना है। तो इसको अब आज की स्कैंडल क्या शो कर रही है, सी आप अगर फिबोना की लेवल अगर आप जानते हैं, फिबोना की रिट्रेसमेंट से कल की रेंज जो मार्केट ने बनाई थी निफ्टी, आज मार्केट ने क्लोजिंग कहां पे करी है। सी यू कैन सी मार्केट हैव पियर्स्ड द 50% लेवल और 50% के ऊपर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ ए बुलिश सिग्नल। अब उसके बाद हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एक बार देखते हैं, व्हाट हैपेंड इन द बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी इज टोटली इंगल्फिंग यस्टरडेज हाइज एंड उसने आज क्लोजिंग भी यस्टरडे का हाई जो था 31,698 उसके ऊपर 31,771 पे आज क्लोजिंग दिया है एंड यू कैन सी द हाउ द कैंडल इज लुकिंग, बहुत सारा बुलिशनेस उसमें दिख रहा है एंड ऑल्सो देर इज अ गैप। कल मार्केट में एक गैप बनाई थी, लेट मी शो यू। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में कल एक गैप फॉर्म हो गया था विच वॉज फ्रॉम डे बिफोर यस्टरडेज लो ऑफ 32,329 और कल का हाई जो था 31,698। बट देन आज मार्केट ने उसको थोड़ा पियर्स किया है एंड स्टिल देर इज अ गैप एंड दैट इज ऑफ मोर देन अराउंड 400 पॉइंट्स। लेट मी मेजर इट फॉर यू। यस, 444 पॉइंट्स का गैप एंड यू नो मार्केट tries to close all the gaps, right? तो अगर थर्सडे के दिन मॉर्निंग में bullishness दिखाई देती है तो it will definitely going to close this gap first and then it will travel to the upward. And else, अगर market में bearishness दिखती है और इन्हीं highs yesterday के high के नीचे अगर आ जाता है, that yesterday का highs जो था उसके नीचे अगर market जाने लगता है then
दैट विल बी द बेरी सिग्नल फॉर यू. ओके लेट्स गो इन टू द इंट्राडे. इंट्राडे में आज हम कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पिवोट्स दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट में रीसेंट लेवल्स काम करती हैं. सो लेट्स गो टू द इंट्राडे. ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है बैंक निफ्टी. एंड लेट मी ड्रॉ यू पॉइंट्स. सी मार्केट में हमने आज मॉर्निंग में आपको अपना पहला ट्रेड शेयर किया था जो कि हमने अराउंड 9:30 हमने क्लोज करके प्रॉफिट मोर देन 25,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट ट्रेड एंड आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे. सी देखिए आज मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव बायस के साथ ओपन हुआ, कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ था. एंड इन फर्स्ट 5 मिनट्स इवन आफ्टर एक्सपीरियंस यू कैन ट्रेड इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम. इन इफ आई विल टेक यू टू द 2 मिनट्स चार्ट जो हमने चार्ट शेयर किया है आपके साथ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. सी कल का क्लोजिंग प्राइस मॉर्निंग में फर्स्ट 2 मिनट में ही उन्होंने बुल्स ने शो कर दिया था कि यस वी डोंट वांट टू गो बिलो दिस. सॉरी यस दिस इज द यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस अराउंड 30,900. फर्स्ट 2 मिनट्स बीयर्स ट्राई टू गो डाउन, उन्होंने चेक किया यहां पे नीचे और बीयर्स नहीं है, दे पुल्ड मार्केट बैक एंड अगेन आफ्टर सम टाइम दे टुक अ रीटेस्ट ऑन 919-920 कैंडल. यही हमारे लिए सिग्नल था कि इस रेड कैंडल को फॉलो थ्रू यहाँ पे नहीं मिल रहा था. सो दिस वाज द रीजन हमने यहाँ पे अपनी बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करी एंड एट द डे हाई समवेयर वी बुक्ड अवर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट एंड दैट वाज अ डिसेंट 25K प्रॉफिट. नाउ इसके बाद मार्केट हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे एक इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करी थी 31,250 एंड वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट थी आपको अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आपको पता है ये वो लेवल क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए. सी उसके पीछे का रीजन है कल में छुपा हुआ है. सी इफ यू कैन सी कल मार्केट ने एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से रिट्रेसमेंट लिया था. सो आज क्या एक्सपेक्टेड है, यही जोन में आके ये वापस से रिट्रेसमेंट ले रहा है. सो डेफिनेटली यही लेवल्स आज कल परसों इन दिस वीक वैलिड रहती हैं एंड ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये आफ्टर एक्सपीरियंस आपको आएगा. जस्ट गिव मोर एंड मोर टाइम ऑन द चार्ट्स सो दैट यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स. ओके उसके बाद वी वेर गॉट समवेयर ट्रैप्ड इन द मार्केट फॉर वन ट्रेड इन निफ्टी. लेट मी शो यू बट वी केम बैक विद द गुड प्रॉफिट ओवर देयर. सी फर्स्ट We again after this retracement from 250 हमने यहाँ पे आगे long trade initiate किया था इस bullish candle के बाद, इस bullish engulfing के बाद we initiated a long trade but market ने वहां से again 250 को respect किया and they retraced to the pivots. Then market again started to go up and they pierced the 250 level but they didn't this and we again added some quantities over here. मार्केट लेकिन ऊपर जाने के मूड में उस वक्त नहीं था एंड इट अगेन टर्न बैक. अब यहाँ पे जाके हमारे पेशेंस हमने खोए और हमने हमारी पोजीशंस इन्हीं लेवल पे अराउंड 50,000 मोर देन 45,000 का लॉस बुक किया. बट दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज कॉल्ड. अगर मार्केट में पॉजिटिव प्रॉफिट्स हैं तो लॉसेज भी आपको लेने पड़ेंगे. डेफिनेटली वो हमारे विद इन अ रीच था और हम हमारे साइकोलॉजी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. व्हेन वी बुक प्रॉफिट और लॉस वी डोंट गेट एक्साइटेड व्हेन वी बुक गुड प्रॉफिट्स एंड आल्सो वी डोंट गेट डीमोरलाइज्ड व्हेन वी बुक लॉसेस. यही एक आइडियल ट्रेडर की क्वालिटी है कि आपको कहीं पे भी एक्साइटमेंट फियर नहीं लेके आना. यू हैव टू बी मैकेनिकल व्हाइल एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स. व्हाटएवर द नेक्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू आपको उसको उठाना है. देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट यू कैन सी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक हैमर कैंडल मिला एंड दैट वॉज अ सिग्नल फॉर अस. हमने यहाँ पे हमारे बुलिश ट्रेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था इन निफ्टी एंड इन बैंक निफ्टी बोथ. निफ्टी का रीजन था निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट इट्स लोअर जोन. मैं आपको शो कर देता हूँ यस व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द निफ्टी.
यस, निफ्टी जो था, निफ्टी वॉज ट्रेडिंग इन इट्स बॉटम एरिया ओनली, और सिंपली अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे तो यू कैन सी हाउ द निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट विद दिस फर्स्ट, देन फ्रॉम टॉप जाके यहाँ पे आया, देन अगेन इट वॉज टेकिंग सपोर्ट। एट द सेम टाइम एक डाउन ट्रेंडिंग भी हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। सो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, वी इनिशिएटेड अवर बाय आफ्टर दिस कंसोलिडेशन एंड वी बुक्ड अ डिसेंट 50, अराउंड 50 के प्रॉफिट, 45 प्लस के प्रॉफिट ईयर, एंड वी एग्जिटेड अवर डे विथ ग्रीन। सो गाइज, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि हाउ वी ट्रेड विद द स्मॉलर टाइम फ्रेम। इतने स्मॉलर टाइम फ्रेम में 2 मिनट्स 1 मिनट्स पे आने के लिए इट विल रिक्वायर मच एक्सपीरियंस। एंड ये जो प्रॉफिट फिगर्स भी हैं, मैं वंस अगेन डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सॉरी, कि डोंट गेट फैंसिनेटेड और विथ दिस प्रॉफिट फिगर्स। ओके, ये आफ्टर नंबर ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद द ह्यूज कैपिटल ये गेंस पॉसिबल है। तो डोंट गेट लर्न विद दिस, बट डेफिनेटली ट्राई टू लर्न दिस मार्केट, और वंस यू गेट लर्न तो प्रॉफिट इज जस्ट अ नंबर। ओके, सो दिस इज इट फॉर द डे। कल आपको कैसे तो हमने देखा किस तरीके से बैंक निफ्टी जो कल मोर देन 5% डाउन थी, आज उसने रिकवरी दिखाई एंड निफ्टी कंपेयर टू द निफ्टी एंड बोथ इंडेक्सेस शोन सम स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स सी, जो मैंने आपको ऑलरेडी इवेंट्स बताए हैं जो शेड्यूल्ड है कल के दिन, उनका कैसे इंपैक्ट होता है मार्केट पे। सो डिसाइड योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली फॉर थर्सडे एक्सपायरी एंड फ्राइडे। बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी इन नेक्स्ट वीडियो।